नमस्कार दोस्तों, फाइनली रियलमी 7 प्रो में एंड्रॉयड 11 और रियलमी UI 2.0 का अपडेट आ चुका है। तो दोस्तों, जो अपडेट है कितनी GB का है, इसमें आपको क्या नया देखने को मिलता है, ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों, जब आप अपने फ़ोन में इस अपडेट को करोगे तो आपको दोस्तों पता ही नहीं लगेगा कि आपके फ़ोन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इस अपडेट को करने के बाद आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्या क्या नए फीचर मिलेंगे, और दोस्तों ये जो अपडेट है इसका दोस्तों ये साइज़ वो कितना है। तो दोस्तों, सबको बताऊँगा इस वीडियो में। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो अपडेट है इसका साइज़ दोस्तों 2 GB से ऊपर का, जो करीब 2.5-3 GB का अपडेट है। और दोस्तों, इसमें हमें क्या क्या नए फीचर मिलते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप दोस्तों इस अपडेट को कर लोगे तो दोस्तों आपके फ़ोन का जो डार्क मोड होता है, तो दोस्तों डार्क मोड में आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहले क्या होता था दोस्तों कि जब आप डार्क मोड पे अपने फ़ोन को लगा देते तो आपके फ़ोन की दोस्तों डिस्प्ले है वो ब्लैक हो जाती थी। पर दोस्तों अभी क्या है, इसमें आपको 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे नॉर्मल, हाई, इस तरीके से। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से अपने डार्क मोड को यूज़ कर सकते हो। दोस्तों दूसरा जो ऑप्शन है नया, वो ये है कि जब आप अपने फ़ोन को चार्जिंग पर लगाते हो नाइट में दोस्तों, तो आपने देखा होगा कि आपका फ़ोन अगर चाय पर लगा हुआ है तो दोस्तों चाय होता चला जाएगा और फुल हो जाता है, फिर दोस्तों उसमें पावर जाती रहती है। बट दोस्तों अभी इसमें कुछ एक नया फंक्शन दे दिया गया है कि जैसे दोस्तों आपका फ़ोन चाय होगा तो ऑटोमेटिकली दोस्तों चार्जिंग होना रात में बंद हो जाएगा। तो ये एक दोस्तों नया फीचर है। और दोस्तों तीसरा एक नया ऑप्शन ये आया है कि आपके दोस्तों फ़ोन का सिक्योरिटी पेज लेवल है वो दोस्तों अब जुलाई का कर दिया गया है। तो दोस्तों ये एक नया अपडेट है। और दोस्तों एक नया अपडेट इसमें और आया है, वो दोस्तों ये है कि अगर आपका फ़ोन में कोई वाईफाई कनेक्ट है तो दोस्तों उस वाईफाई के पासवर्ड को आप अपने फ़ोन के द्वारा किसी और फ़ोन में भी शेयर कर सकते हो। उस किसी और फ़ोन में दोस्तों पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने फ़ोन से ही किसी और फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हो। और दोस्तों अपने वाईफाई यानी दोस्तों आप जिस वाईफाई पे अपने फ़ोन चला रहे हो उस वाईफाई पे दोस्तों आप अपने फ़ोन के द्वारा ही किसी और फ़ोन को भी कनेक्ट कर सकते हो QR कोड को स्कैन करा के। तो दोस्तों ये एक नया फीचर इसमें ऐड कर दिया गया है। और दोस्तों जो दोस्तों नोटिफिकेशन बार होता है इस फ़ोन का, वो दोस्तों पहले से अलग कर दिया गया है। पहले अलग आता था बट दोस्तों अब थोड़ा अलग कर दिया गया है। तो दोस्तों थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं इस फ़ोन में। अगर आप जैसे देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, बट आप जब ध्यान से देखोगे कि आपके फ़ोन में जो सिस्टम है पहले कैसा था और अब कैसा है, तब आपको थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि एंड्रॉयड 11 दे दिया गया है, UI 2.0 कर दिया गया है तो आपका फ़ोन एकदम चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सेम वैसा ही है पहले जैसा, बट दोस्तों कुछ ऐसे चेंजेस दिए गए हैं जो आप जब यूज करोगे तभी आपको समझ में आएगा। जो मैंने आपको बताए हैं ये छोटे मोटे चेंजेस हैं, जब आप इसको अपने फ़ोन को यूज करोगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये कुछ चेंजेस इसमें कर दिए गए हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आपके फ़ोन का दोस्तों पूरा सिस्टम चेंज कर दिया गया हो या बिल्कुल अलग हो गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेम वैसा ही है पहले जैसा, बट ये है कि इसमें नया अपडेट दे दिया गया है जो कि दोस्तों काफ़ी बड़ा है। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब आप इस अपडेट को अपने फ़ोन में कर लें तो दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको नया क्या देखने को मिला। क्योंकि दोस्तों काफ़ी सिस्टम ऐसे होते हैं जो यूज़ करने के बाद ही पता लगते हैं, तो शायद दोस्तों आपको कुछ नया देखने को मिले। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इस अपडेट के बाद क्या नया देखने को मिला और इस अपडेट को करने के बाद आपके फ़ोन में कुछ बग्स वगैरह आए हैं या फिर नहीं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करना। दोस्तों फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।